आज का दिन तो बहुत सुहाना है। आज रात में बारिश हो चुकी है, खुद देख लीजिए आप कि कितना मौसम बढ़िया हो रहा है। पर हवा नहीं चल रही है, बस मौसम ठंडा है, इसलिए मुझे मेरा मन किया मेरा कि थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं, उसके बाद जिम जाया जाएगा। अब पहले व्यायाम करता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर हाथ मुँह धो के फ्रेश होके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि कहते हैं योग सारी बीमारियों का तोड़ है, इसलिए आप योग किया कीजिए। 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, पर योग कीजिए। नहीं आता, थोड़ा देखिए यूट्यूब पे, देखिए जो आ जाए, याद आ जाए उसे कीजिए बार बार। कोई बुरा थोड़ी है, आज गलत करेंगे तो कल सही करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ी देर रोकना पड़ता है, ऊपर वेट करेंगे फिर रुकते हैं। ये मेरा सही रहता है थोड़ा सा। बहुत सारे व्यायाम रहते हैं, आप देख लीजिए उसके लिए सारी चीज़ें। पैर के लिए होता है, कमर के लिए, चेस्ट के लिए, हाथों के लिए, गर्दन के लिए, आँखों के लिए, चेहरे के लिए। वैसे तो आज मैं उठ गया, आज मैं 6:30 बजे, वैसे उठता हूँ 7 बजे और सो ही 7:30 बजे, 8 बजे पहुँच पाता हूँ जिम। तो आज सही टाइम भी है निकलने के लिए और योगा का टाइम भी सही है। चलिए ठीक है ना, कम से कम योगा तो हुआ कुछ देर के लिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉनी ऊपर से झक रहा है, देख रहा है कम नाश्ता मिले हमें, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया ना। चलिए अब मैं रेडी हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ कपड़े बदलने के लिए। लीजिए हाथ में तो धो लिए, ब्रश हो गया, लीजिए अब मैं रेडी भी हो गया। ये आउटफिट थोड़ा लूज लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर अब चलने की तैयारी है। थोड़ा कुछ खा पी लें क्या? हो तो गया, चलो खाना पीना, अब चलते हैं। क्यों भाई साहब, ये हमारी जिम है, जिम में सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, तो कृपया करके मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, जितना वार्म अप याद आ जाए, जितना पूछ पूछ के कर पाओ, ना कर सको तो उसके बाद पुशअप लगाओ, डायमंड पुशअप लगाओ, बैक पुशअप लगाओ, जिसकी आप एक्सरसाइज करने वाले। आप जैसे चेस्ट की कर रहे हैं तो चेस्ट कीजिए वार्म अप के। वार्म अप से सारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, सही है ना, करना चाहिए भाई जरूर। जिम में घुसते पहले वार्म अप करो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करो। आज वैसे मेरी ट्राइसेप्स की है, मुझे खुद मालूम रहता नहीं कि मैं आज करने क्या वाला हूँ, इसलिए फिर मैं आज अपने भैया से पूछ के जाऊँगा, ट्रेन भैया से हमारे। कभी आपने देखा होगा, कभी चेस्ट कर रहे हैं तो कंधे में दर्द हो गया, खिंच गया, उसी गलती रहती है, आपने वॉक नहीं किया और वॉक के कारण कंधे में चोट आ गई, गुम चोट आ गई, नस खिंच गई। इससे बढ़िया है कि आप कर लीजिए वॉक। ये ईयरफोन बहुत दिक्कत करती है भाई मेरे को, ये स्टार्ट किया हुआ वो कि भाई ईयरफोन भागती है उल्टी सीधे, पहले इसको रखते हैं साइड में। ये सबसे बढ़िया रहता है, इसको आप डेली घर पर या जिम जाए, जिम टाइम पर जरूर करना, इससे पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं एक्सरसाइज, एक दो जो पूरी बॉडी के लिए मिक्स हो जाता है, भाई शोल्डर के लिए, बैक के लिए, कमर के लिए, पैर के लिए, सही है ना, बॉडी फिट भी हो गई। चलते हैं आगे। अब ये मैं पुशअप मारने की तैयारी करता हूँ, पहले पहले पुशअप करेंगे, फिर डायमंड पुशअप करेंगे, क्योंकि आज हमारी ट्राइसेप्स की है, ट्राइसेप्स की हो या बाइसेप्स की हो तो डायमंड पुशअप जरूरी है उसके लिए। ये भाई साहब वो कर दिया दे रहा, कभी कभी ऐसे आते हैं, ऐसे और कहीं रखी नहीं होगी प्लेट, इनको मेरे सामने मिल गई। पोजीशन बना के देखिए, आपको नहीं आता तो 4 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में हर्ज नहीं होता। खुद देखिए कैसा कर रहे हैं, एक दो बार वीडियो बना के देखिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, दूसरों को देखिए। हाथों को कंधों से थोड़ा बाहर और कोहनी को बाहर नहीं ले जाना है, थोड़ा चिपका के लाना है, इतना पास लाएंगे इतना बढ़िया रहेगा। पैर को एकदम स्ट्रेट पीछे, कमर और चेस्ट एक संग नीचे लेके आना है, एक साथ ऊपर लेके जाना है,
ये पुशअप ज़रूरी होती है, चाहे पुशअप हो या चिन अप्स हो, मतलब ऊपर रॉड पकड़ कर खींचने वाली हो। आप देख ही रहे होंगे बॉडी को स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है, इसके बाद ही स्टार्ट कीजिए कुछ कुछ भी हो। इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है ये, ट्राइसेप्स के लिए बहुत बेहतरीन है, लाभ देती है। घर पे कीजिए आप, बस देख लीजिए कि कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, इसको मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, देखो कोनी मेरी टिढ़ी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला स्टार्ट हुआ। टोटल हम एक्सरसाइज करेंगे 5 से 6, ठीक है। ये पहली है जिसमें हाथ कमर के पास, अंगूठा खोल के पास पास, ये ट्राइसेप्स के लिए मेनली। आज हम ट्राइसेप्स के लिए करने वाले सर, भाई दर्द करती है कंधे में बहुत ज़्यादा, आपको लगे वो दर्द कर रही है, उसको थोड़ा कीजिए बना के देखिए, तब कीजिए, गलत मत कीजिए, गलत करेंगे दर्द करेगी, और ज़्यादा हार्ड करेंगे तब दर्द करेगी। ये भाई बंद नहीं कर रहा वीडियो बनाना। ये नंबर 2 स्टार्ट होती है हमारी रोड से, ये कर्लिंग रोड है, बीच में पकड़नी होती है। कंधे को स्ट्रेट की, वो शोल्डर को स्ट्रेट कीजिए थोड़ा पीछे करके। ये बहुत लोग तो यहाँ इसमें 20-20 किलो आगे कर लेते हैं, मेरे पे 2.5 किलो नहीं होता, तब से आदत बनी हुई है 2.5 किलो की। ये बैक शोल्डर के लिए है, ये ऐसे ट्राइसेप्स में बहुत मज़ा आता है। पीछे सिर के पीछे बस स्ट्रेट और नीचे तक, स्ट्रेट और नीचे, बहुत बहुत अच्छा लगता है। स्मूथली करना होता है, थोड़ा होल्ड करना होता है। हमारी 1, 2, 3 है, 4th एक्सरसाइज आ गई। 4th एक्सरसाइज में हमारे ट्रेनर साहब बता रहे हैं कि ऐसे की जाएगी, कभी हम भूल जाता हूँ ना एक्सरसाइज, तो मेरे को याद रहती नहीं है बताने के लिए, एक तो लिखा नहीं है मैंने। 4th एक्सरसाइज हमारी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ में आ चुका है, इसलिए मैं थोड़ा करूँगा, वेट थोड़ा हैवी लगा लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, धीरे धीरे करते रहिए, थोड़ा हार्ड कीजिए, और डाइट में दिक्कत नहीं छोड़िए कुछ भी, चाहे आप जिम जा रहे हैं, नहीं जिम जा रहे हैं, डेली सुबह फल फ्रूट खाइए। जिम जाने से पहले एक सेब ज़रूर खा के आइए, और जिम में घुसते ही कोई कॉफ़ी का पाउच लेके पी लीजिए। ये 5वीं एक्सरसाइज आ गई हमारी, ये सबसे ज़्यादा हाथ बढ़ रही है, ये मेरे को बहुत बेकार लगती है, ये दर्द करती है मेरे कंधे में। सिक्स एक्सरसाइज, सिक्स क्या, ये 5th में ही ले ली मैंने, ये अब किया मैंने ट्राई, अब सही है। आपको देखना चाहिए, जब कम वेट ही होना चाहिए ज़्यादातर, स्टार्टिंग में ज़्यादा वेट ना कीजिए, आपको लगा कि आज नहीं एक्सरसाइज है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कम से कम वेट हो, चाहे रोड हो तो खाली रोड हो, प्लेट हो तो प्लेट 1 हो 2 हो, बस ज़्यादा हार्ड करेंगे तो नस किसी भी बेकार हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइज ही बेकार लगने लगेगी। इससे बढ़िया है आप कम वेट से कीजिए, मैं पहले बहुत वेट से कर लेता इसलिए बेकार हो जाता, दिक्कत हो जाती है उससे। चलिए ये हमारी 6 एक्सरसाइज, ये भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि सही है कि नहीं, ये भाई साहब पास में आके ढोल सोल पे, तुम गलत कर रहे हो, इनको चाहे खुद आती ना बताना जरूर, चल देते हैं, अब छोड़ेंगे नहीं, अब कमी पे कमी निकालते रहेंगे। मैं कहूँगा सर चल छोड़ दो, चलो जाओ, अब छोड़ दी गए, सही है। कमर को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कीजिए, पीछे वाले लेग को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए, स्ट्रेट आगे वाले पैर को स्ट्रेट कर लीजिए। ये 7th एक्सरसाइज होगी हमारी, भी पीछे खींच के ले आना पड़ता है हाथ, सबसे हार्ड लगती है मेरे को ये। ये 8th एक्सरसाइज होगी भाई, हम 6th की बात 6 एक्सरसाइज।